नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब्रेंट लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रेखा पाल। पंजाब के मानसा जिले में रविवार को अज्ञात हमलावरों ने मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी। राज्य सरकार द्वारा मूसेवाला की सुरक्षा वापस लिए जाने के एक दिन बाद यह घटना हुई। वहीं सिद्धू मूसेवाला को पोस्टमार्टम करवाने से परिवार ने इनकार कर दिया है। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को चिट्ठी लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। इससे पहले सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस ने मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह के बयान पर सदर थाना मानसा में एफआईआर दर्ज की है। पिता ने शिकायत में कहा है कि उनके बेटे सिद्धू को कई गैंगस्टर फिरौती के लिए फोन पर धमकियां भेजते थे। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने भी उसे कई बार धमकियां भेजी थी, इसलिए उन्होंने एक बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ी भी रखी हुई थी। मूसेवाला की रविवार शाम 5:30 बजे ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। एक दिन पहले ही पंजाब की आप सरकार ने उनकी सिक्योरिटी वापस ली थी। वहीं इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है, जिसके बाद गैंगस्टर दविंदर बम्बिहा ग्रुप भी सामने आ गया है। बम्बिहा ग्रुप ने इसका बदला लेने की धमकी दी है। इससे पंजाब में गैंग वार की आशंका बढ़ गई है। आज बांसा जिले में एक दुखद घटना हुई है। सिद्धू मूसेवाला जो शुभदीप सिंह, ये जब अपने घर से निकले शाम को करीब 4:30 बजे, तो उसके बाद करीब 5:30 बजे करीब 5:30 PM ये अपनी गाड़ी में जा रहे थे। ये खुद ड्राइव कर रहे थे, इनके साथ 2 प्राइवेट लोग थे और इनके पीछे एक गाड़ी थी और 2 गाड़ियां सामने से आईं और उसमें फिर फायरिंग हुई और फायरिंग में इनको बुलेट इंजरी हुई और जब इनको हॉस्पिटल ले जाया गया देन ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। तो ये जो इंसिडेंट है, ये एक इंटर गैंग राइवलरी का केस लगता है, क्योंकि इनके जो एक मैनेजर हैं शगनप्रीत, इनका नाम आया था जो विक्की मिड्डू खेड़ा वाले मर्डर केस में। वो अभी विदेश में ऑस्ट्रेलिया में निकल गए हैं। तो उसका रिएक्शन मैं जो लॉरेंस बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो लकी उन्होंने ले ली है उनके गैंग के कनाडा से। इसके बारे में 2-3 बातें मैं बताना चाहूँगा। अभी तक के जो उसमें इन्वेस्टिगेशन में आया कि इनके पास सिक्योरिटी के, पंजाब पुलिस के 4 कमांडो थे और अभी घल्लू घारा की वजह से हर साल पंजाब में सिक्योरिटी से थिन आउट करके फोर्स निकालते हैं, जिससे घल्लू घारा के अरेंजमेंट फुल प्रूफ हों। उसमें इनके 2 कमांडो विड्रॉ किए गए थे। 2 कमांडो इनके पास थे, लेकिन जब ये गए तो दोनों कमांडो को साथ नहीं लेके गए थे, घर पर छोड़ के गए थे और रादर ये कह गए थे कि अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है। पंजाब में सिंगर सिद्धू मूसेवाला की रविवार को हत्या के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अलग अलग जेलों में बंद गैंगस्टर नीरज बावनिया, टिल्लू ताजपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई, काला जखेड़ी, गोल्डी बरार गैंग के बंद गुर्गुर पर खास नजर रख रही है। डीजी तिहाड़ का कहना है कि इस हत्या के बाद दिल्ली की जेलों में आपस में इन गैंगस्टर्स के बीच हिंसा न हो, इसके लिए इन गैंग्स के गुर्गों को लेकर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वाइब्रेंट लाइव न्यूज। निर्भय सत्य, जनता की आवाज़।